अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मलाई कुल्फ़ी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर फुल क्रीम, बॉईल किया हुआ बलाई वाला दूध, तकरीबन 8 टेबल स्पून चीनी। मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़े से बारीक कटे हुए काजू बादाम, थोड़े से पिस्ते बारीक स्लाइस में कटे हुए, 3 छोटी इलायची, इनका मैंने छील कर पाउडर बना लिया है। सबसे पहले एक कढ़ाई में डालेंगे दूध, अब दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बीच बीच में इसे थोड़ा चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरह से साइडों पर लग रहा है, इसको हम साथ में छुटाते जाएंगे। ये देखिए गाढ़ा हो गया है, अब इसमें डालेंगे चीनी, इसको अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और इसे भी अच्छे से मिलाएंगे। साइडों से छुटाते जाएंगे। ये अच्छे से मिल गया है, अब इसे 2 मिनट तक मीडियम गैस पर पकाएंगे। और इसे चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए काजू बादाम, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये मिल गया है, अब गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये ठंडा हो गया है, मैंने यहाँ कुल्फी जमाने वाले मोल्ड ले लिए हैं। अब मैं कुल्फी के बैटर को एक सॉसर में निकाल लूंगी। और अब इसे हम कुल्फी के मोल्ड में डाल देंगे, इससे इसे भरने में आसानी होगी। आप चाहें तो किसी गहरे चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। अब इसकी स्टिक्स वापस लगा देंगे। और अब हम इसे रात भर के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे निकालेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े बर्तन में लिया है पानी, और इसको हम इस पर रख देंगे। इसे थोड़ा हिलाएंगे ताकि कुल्फ़ी थोड़ी ढीली पड़ जाए और ये आसानी से निकल जाए। अब इसे प्लेट पर निकालेंगे। अब इसको पिस्ते से गार्निश करेंगे। मलाई कुल्फी तैयार है, इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।